फ्रेंड्स, स्वरा स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है हलवाई स्टाइल परफेक्ट गुलाब जामुन। बहुत ही रसीले है और बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। कम से कम टाइम में ये बन जाते हैं और बिल्कुल हलवाई स्टाइल। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर और दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही रसीले है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, चाशनी कितनी अच्छे से सोख ली है। तो चलो शुरू करें आज की ये आसान सी रेसिपी। चाशनी बनाने के लिए एक पैन में हम 2 कप चीनी डालेंगे। चीनी में हम 2.5 कप पानी डालेंगे। इसमें हम थोड़े से केसर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालें या आप इसे स्किप कर सकते हो। अब इस मिश्रण को हम अच्छे से उबाल आने तक गर्म कर लेंगे। इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी हमें बनानी है। चाशनी हमारी उबल रही है, चीनी अच्छे से घुल गई है। मैं एक बार इसे चेक करके आपको बता देती हूँ, अभी भी ये चिपचिपी नहीं हुई है, तो इसे हम और थोड़ी देर तक हम इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो चाशनी है हमारी वो तैयार है और गाढ़ी भी हो गई है थोड़ी, जो हमें चाहिए चिपचिपापन वो उसमें आ गया है। तो गैस को मैं अब बंद कर दूंगी। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 कप दूध। दूध में हम डालेंगे 1/4 कप घी। फ्रेंड्स, मैंने दूध और घी को डाला है पैन में और मैंने गैस की आंच नहीं चालू की है। चालू करने से पहले इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे 1.5 कप मिल्क पाउडर मैंने ली है, तो उसे भी हम इसमें डाल देंगे। इन तीनों को हम पहले मिक्स कर लेंगे और फिर मैं गैस को चालू करूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अच्छे से इन तीनों को मिक्स कर लिया है और अब हम इस मिक्सचर को पकाएंगे। हम धीमी आंच पे लगातार इसे चलाते रहेंगे जब तक कि इसका एक अच्छा खोआ नहीं बन जाता। सकते हो ये जो हमारा मिश्रण है अच्छे से पक गया है और पैन के साइड्स भी इसने छोड़ दिए हैं और इसका टेक्सचर आप देख सकते हो बिल्कुल खोए जैसा आया है और हमें यही टेक्सचर चाहिए, सॉफ्ट खोआ हमें चाहिए। अगर आप इसे और थोड़ी देर करोगे तो ये क्रम्बल ही हो जाएगा, इसका जो टेक्सचर है दानेदार हो जाएगा। तो हम इसे बहुत ज़्यादा देर तक इसे हम नहीं चलाएंगे। गैस को मैं अब बंद कर दूंगी। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो बिल्कुल खोए जैसा है, सॉफ्ट। तो ये टेक्सचर तक हमें इसे पकाना। खोए को हमने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी भी ये थोड़ा हल्का गर्म है, तो जब ये गर्म होता है उसी समय हमें इसे अच्छे से मसलना है। इसी स्टेप में हमें इसमें बाकी की सामग्री भी मिलानी है। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसका टेक्सचर सही नहीं आएगा। तो ये जब हल्का गुनगुना होता है, गर्म होता है, उसी समय हम इसे अच्छे से मसल मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मैदा और उसी के साथ 1/4 चम्मच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोबारा से एक अच्छा सॉफ्ट मिश्रण हम इसका बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये मिश्रण हमारा थोड़ा सा ड्राई है तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ इसमें और हम अच्छे से इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये मिश्रण अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पे और 1 टेबलस्पून मैं दूध डाल रही हूँ यहाँ पे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसका मिश्रण बनाया है और आप देख सकते हो कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। तो अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम मिश्रण लेंगे, हम इसके बॉल्स बनाएंगे और आप चाहो तो हाथ में आप घी भी लगा सकते हो। और अच्छे से आप देख सकते हो कितने अच्छे प्लेन बॉल्स बन गए हैं। तो इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे, गुलाब जामुन बना लेंगे। सारे बॉल्स हमने बना लिए हैं और तेल भी मैंने गरम करने रख दिया है। हम इसे अब तेल में फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हो। तेल हमारा गरम हो गया है, आप देख सकते हो जो बॉल हमने डाला है धीरे से ऊपर आया है। इसका मतलब है कि तेल हमारा गरम हो गया है और आँच हमें धीमी ही रखनी है
जब भी आप गुलाब जामुन फ्राई कर रहे हो तो आँच का हमें बड़ा ध्यान देना है, बिल्कुल भी तेज़ आँच पे हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। तो एक एक करके हम इसमें सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। आप देख सकते हो साइज में ये डबल हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, और हर 2 मिनट के बाद हम इस तरह से करछी चलाएंगे जिससे इवनली हर जगह से ये फ्राई हो जाएंगे और कलर भी एक जैसा आ जाएगा। तो हर 2 मिनट के बाद हम एक बार ऐसे करछी चलाएंगे। अभी भी ये फ्राई नहीं हुए हैं तो अच्छे से हम धीमी आंच पे ही हमें इसे फ्राई करना है, बिल्कुल भी गैस की आंच हमें तेज़ नहीं करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ये गुलाब जामुन की एक बैच फ्राई हो गई है और कलर भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो इन्हें अब हम निकालेंगे और हमारी दूसरी बैच हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी दूसरी बैच भी अच्छे से फ्राई हो रही है और इसका कलर अभी तक थोड़ा डार्क नहीं हुआ है, तो इसे हम और थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। तो जब तक आपको डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता, जब तक आपको मनचाहा कलर नहीं मिल जाता सुनहरा, तब तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन है। सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं और अब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। और जब भी आप गुलाब जामुन को फ्राई करते हो तो डायरेक्ट तेल से हमें कभी भी चाशनी में नहीं डालने हैं। आप पहले इसे प्लेट पे निकालिए और फिर 1-5 मिनट के बाद आप उसे चाशनी में डाल दीजिए। और चाशनी में भी जब भी आप डालोगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, ना कि ठंडी, ना कि बहुत ज़्यादा गर्म। फ्रेंड्स, चाशनी मेरी ठंडी हो गई थी तो मैंने दोबारा से गैस को चालू किया है और हल्की हम गुनगुनी से कर लेंगे। और उसमें मैं थोड़ी सी फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। जैसे मैंने पहले आपको कहा था, आप साबुत इलायची भी डाल सकते हो, या आपके पास अगर रोज़ एसेंस है, अगर आपको उसकी स्मेल पसंद है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, या रोज़ वाटर भी आप 1 चम्मच इसमें डाल सकते हो। चाशनी हमारी हल्की गुनगुनी है और इसमें हम एक एक करके हमारे ये गुलाब जामुन डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने ये सारे गुलाब जामुन को सोक कर लिया है और जितना ज़्यादा आप इन्हें चाशनी में रखोगे उतने अच्छे ये सॉफ्ट बने। लेकिन अगर आपको अच्छे जूसी और सॉफ्ट गुलाब जामुन चाहिए तो आप कम से कम 1 घंटा रखिए, आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, जिससे चाशनी पूरी अंदर तक चली जाएगी और बहुत अच्छे सॉफ्ट हमारे ये गुलाब जामुन बन जाएंगे। गुलाब जामुन है बहुत अच्छे फूल गए हैं और अच्छे से चाशनी को भी सोक कर लिया है, तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हो या ऐसे ही आप इन्हें सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ये रसीले बिल्कुल हलवाई स्टाइल परफेक्ट गुलाब जाम बनके तैयार है। मैं आपको टेक्सचर भी इनका बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हो कितने अच्छे सॉफ्ट और जूसी बने हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल चाशनी अंदर तक चली गई है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर भी बता देती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत हल्के बने हैं और बहुत ही यमी लगते हैं। तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।